भाई बैरीगेट तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज मैं इस बैरीगेट के सामने क्यों खड़ा हूँ और क्यों आप सभी के सामने लाइव आया हूँ? जी हाँ, मैं बता देता हूँ, इस बैरीगेट के अंदर आपको एक लाइट आज कुछ अलग से दिख रही होगी। बीच में आपको लाइट दिखाना चाहूँगा, लगातार जो है लाल कलर की लाइट ब्लिंक हो रही है। और सिर्फ ये एक ऐसा एक ही बैरीगेट नहीं है, पूरे शहर के अंदर 50 से 60 जो है इस तरह के बैरीगेट्स लगाए गए हैं। और इन बैरीगेट्स के क्या कुछ फ़ायदे होने वाले हैं आने वाले समय में, वो यहाँ पर जो चौकी इंचार्ज या पोस्ट इंचार्ज मौजूद हैं उनसे मिलकर जानेंगे, उनसे बातचीत करके जानेंगे किस तरह के जो फ़ायदे हैं भविष्य में इन बैरीगेट से होने वाले हैं। धुंधारी हो और कुछ हो ना, इसके अंदर बहुत फ़ायदा है कि लाइट बत्ती दिखेगा, बैरीगेट दिखेगा, इससे एक्सीडेंट नहीं होगा, है ना, इससे बहुत फ़ायदा है। मतलब बारिश हो, धुंध हो या फिर कुछ भी हो, दूर से ही अलग से पता चलेगा। अपने आप तो सही, अपने आप तो सही है, तो सही तो फायदा होगा, आप दूर से पता लग जाए गाड़ी में आगे बैरीगेट है। आपको कैसे पता चला कि इसी टाइम पे ये जलने वाली है अपने आप? कल लगाई है, कल तुमने खुद जलाई दिया। अच्छा। इसका पता नहीं मेरे को भैया, अपने आप जल गया ये, आज तो अपने आप जल गई। जादू तो नहीं हो गया? जादू से होता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि किस तरह की जो भी प्रॉब्लम थी, समस्याएं थी जो लोगों को फेस करना पड़ रहा था, अब नहीं पड़ेगी? इसमें तो बहुत बढ़िया काम हो गया, वो बड़ा बैरीगेट है, दूर से दिखा भी गाड़ी भी बिना एक्सीडेंट होगा, लाइट दिखेगी ना रात के समय, बहुत बढ़िया काम हो गया। शहर में कितने जो है बैरीगेट इस तरह के लगा? हर चौक पे लगा दिए। लगभग फिर भी आइडिया, सर कोई आइडिया होगा कि इतने बैरीगेट्स लगाए गए हैं अपने साथ? 60 बैरीगेट कम से कम, 60 कम से कम 60 है। क्या बात, जिंदगी से लेके यहाँ तक ये अपना आज ओके अपना बरोड़ा चौक तक वहाँ तक लगा दिए सारे। तो आपको क्या लगता है कि सरकार विकास करने में पूरी सफल हो रही है? अच्छा काम, बढ़िया काम है, सरकार का पिछला हो तो बहुत बढ़िया काम। तो जैसा कि आपने सुना, दलबीर जी हमारे साथ मौजूद थे, इंचार्ज हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन बैरीगेट से एक बहुत ही प्यारी सौगात जो है, एक बहुत ही अच्छी सौगात हिसार को मिली है। किस तरह मिली है साफ तौर पर उन्होंने बताया, जो रात के समय में एक्सीडेंट्स पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, बहुत सारी दुर्घटनाएँ हुआ करती थी विजिबिलिटी कम होने के कारण, हमें कहीं ना कहीं इन बैरीगेट्स के लगने के बाद कहीं ना कहीं दुर्घटनाएँ ज़रूर कम होंगी, कहीं ना कहीं जो है विजिबिलिटी, कहीं ना कहीं रोड के ऊपर जो लाइट्स दिखेंगी तो कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। और इसी तरह के अन्य अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आधार न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।